टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टडी ऑप्शंस आफ्टर गैप. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीमा इफ्तिखार. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टडी ऑप्शंस आफ्टर गैप, आफ्टर ईयर्स ऑफ गैप. लाइक देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो के हाई स्कूल के बाद, लाइक इंटरमीडिएट लेवल्स के बाद, फॉर सम रीजंस अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाते. इवन आफ्टर मैट्रिक, लाइक सेकेंडरी स्कूल के बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका भी गैप होता है. लाइक उन्होंने अपनी जो आगे हाई स्कूल की तरफ जो है ना अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं की होती. सो लेट्स डिस्कस ऑप्शंस आफ्टर दीज यू नो लेवल्स. कि अगर तो आपका गैप है प्लस आपने सेकेंडरी या हाई स्कूल किया हुआ है, लाइक मैट्रिक इंटरमीडिएट किया हुआ है या ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एनी रीजन आपका गैप आ जाता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या इससे भी इवन ज़्यादा इन सम केसेस, तो आगे अगर आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन हैं आपके पास. सो लेट्स डिस्कस दिस. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे यूके की बात कर लें या ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, बिकॉज दीज टू आर टॉप डेस्टिनेशन, वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन अमंग स्टूडेंट्स. तो इस वजह से जो बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, दे वांट टू गो आइदर यूके और यू नो ऑस्ट्रेलिया. बट अनफॉर्चुनेटली अगर तो उनका गैप है, अगर उनकी जो लाइक आप कह लेंगे आइल्स नहीं वो कर पाते, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पाते, यूनिवर्सिटीज़ उनको एडमिशन नहीं देती. ऑब्वियसली देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड टू यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, आप वो देख सकते हैं एलिजिबिलिटी समझने के लिए, लाइक फाउंडेशन समझने के लिए एंड एवरीथिंग. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नटशेल में बता दूँ कि अगर अगर तो आपकी लाइक एकेडमिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप इन सम रीजंस 45 विद नो गैप, ठीक है, प्लस आपने जो भी उस फाउंडेशन के हिसाब से आपका आईएलएस, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही, 5.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.0, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फाउंडेशन के लिए, सही है. अगर तो आपने ये नहीं किया, अगर तो ये आपके नहीं है ना, इससे कम है, लाइक परसेंटेज भी कम है, फिर गैप भी ज़्यादा है, फिर आइल्स में भी कम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया. इसी तरह अगर हम यूके की बात कर ले, तो उधर भी आपको मिनिमम 48-50 चाहिए, ठीक है, परसेंटेज. प्लस आइल्स की अगर हम बात कर लें तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, अगर स्प्लिट में जा रहे हैं तो 5.0 ओवरऑल एंड नो बैंड लेस देन 4.5, एंड इन सम यूनिवर्सिटीज 4.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 4.0. अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज की जो एक रिक्वायरमेंट बन गई, दैट इज 5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 4.5. अदर देन दिस अगर आप जॉइंट में जा रहे हैं तो 5.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5, और वही अगर आपकी जो भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, लाइक जो भी परसेंटेज रिक्वायर कर रही है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी फॉर एंट्रिंग इन टू फाउंडेशन, ये भी अगर आप एलिजिबल नहीं, इससे भी कम है एंड गैप है ये वो, मतलब इन एनी केस अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते, तो आपके पास क्या रूट हैं जिनको ऑप्ट करके आप जा सकते हैं यूके एंड ऑस्ट्रेलिया अल्टीमेटली. अच्छा, अभी तो मैंने अभी तक आई थिंक आई गेस लंबा हो गया, बट मैंने आपको ना एक बैकग्राउंड समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई दैट इज़ मिनिमम यू नो रिक्वायरमेंट जो कि मुझे मीट करनी है इन ऑर्डर टू गो ऑस्ट्रेलिया और यूके. अगर मेरी ये नहीं होगी तो मैं नहीं जा सकता. हाँ, आइल्स कम है तो आप आइल्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली अगर आपके एकेडमिक रिक्वायरमेंट कम है तो वो तो आप रिपीट करेंगे तो वो आपका एक बैकलॉग आ जाएगा. आइल्स अगर सिर्फ कम है तो वो आपका बार बार रिपीट हो सकता है, सही है. बट अगर गैप है और परसेंटेज बहुत ही लो है, देन आपको जो है ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं. सबसे पहले आप दुबई में प्लेस हो सकते हैं, सेकेंड आप प्लेस हो सकते हैं मलेशिया में, ठीक है. लेट्स से आपने कोई आज से 3-4 साल पहले इंटरमीडिएट किया था एंड फॉर एनी रीजन आप नहीं कर पाए, और अभी भी आपका प्लान नहीं है कि आप आइल्स करें, ठीक है, आप मलेशिया में प्लेस हो सकते हैं. आफ्टर स्टडिंग 1 ईयर देयर यू कैन शिफ्ट आइदर इन यूके और ऑस्ट्रेलिया, सही है. आप अपनी जो प्रोग्रेशन है वहाँ पे ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर की. अच्छा, इवन आफ्टर मैट्रिक यू कैन गो इन दीज टू कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हाई स्कूल लाइक इंटरमीडिएट के बाद ही जा पाएंगे. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती, ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं उनकी एक अपनी, उनके अपना डायग्राम कह लेंगे, अपना एक बेंच मार्क है वो लेती लेती हैं,
बट 95% यूनिवर्सिटीज दोनों कंट्रीज में आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं करेंगी, आपसे आईएलटीएस रिक्वायर नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद फी बड़ी मिनिमम सी है इनकी, और इवन इन मलेशिया आपने जो है जो फी पे करनी होती है इनिशियली यूनिवर्सिटी को, वो भी आपने आफ्टर गेटिंग योर वीजा पे करनी होती है। लाइक इट्स नॉट लाइक यू हैव टू पे योर इनिशियल डिपॉजिट देन यू विल गेट योर यू नो स्पॉन्सरशिप लेटर देन यू विल अप्लाई फॉर योर वीजा, नो नॉट एट ऑल। इन मलेशिया आप पहले अपना जैसे ऑफर लेटर आ जाता है कंडीशनल, दैट इज योर स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप फिर ऑब्वियसली वो अराउंड 600 जो $600 जो है ना आपका एक्सपेंस आता है जिसको आपने पे करना है, एंड देन यू विल अप्लाई फॉर योर वीजा। आप अपनी वीजा एप्लीकेशन जो लॉन्च करेंगे आफ्टर गेटिंग अप्रूवल, आप यूनिवर्सिटी का जो भी इनिशियल डिपॉजिट है वो पे करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ $2,000 लेती हैं, कुछ 3 लेती हैं, कुछ 6 लेती हैं, लाइक इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो अगर हम दुबई की बात कर लें तो उधर इवन आप उधर भी मैट्रिक के बाद जा सकते हैं, फाइनेंशियल्स नहीं चाहिए, लाइक आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इन मोस्ट केसेस आपको आईएलटीएस नहीं चाहिए, उसके बाद गैप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो एक बात कर ली ना कि भाई गैप है और ये सब कुछ है तो आप इन दो कंट्रीज में जा सकते हैं। अब यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके बाद क्या ऑप्शन है। लेट से आपका लाइक आपने बेशक मैट्रिक किया या इंटरमीडिएट किया हुआ है और काफ़ी गैप था, और उसके बाद आपको जो है आप पाकिस्तान में अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो देन आई विल रिकमेंड कि बजाय इसके कि एक वो स्कैमर नहीं होते कि भाई नहीं मैं तुम्हें एडमिशन लेके दूंगा यूके या ऑस्ट्रेलिया, ये मेरी जिम्मेदारी, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, इतना गैप तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड इन दोनों में से किसी कंट्री में जाएं। आफ्टर स्टडिंग 1 ईयर आप अपनी प्रोग्रेशन ले लें इन दोनों में से किसी भी कंट्रीज में। देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, आपको अपनी जो बजट के लिहाज से कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। लाइक अगर अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इवन मलेशिया में तो टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपसेज भी हैं, इवन इन दुबई एज वेल। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है, दुबई इज नॉट पॉपुलर इन फैसलाबाद और इन मेनी सिटीज, बट बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने इवन अपनी जो सर्कल में भी देखे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दुबई को एज इंटरनेशनल डेस्टिनेशन प्रेफर करते हैं, सही है। सो दिस इज समथिंग एल्स। अब जब आपने अपना ये कंप्लीट कर लिया फाउंडेशन या अपना एक साल वहां पे कंप्लीट कर लिया, देन आप यूनिवर्सिटी से ही कह के अपनी जो प्रोग्रेशन जो भी लेट से अगर आप जाते हैं डीएमयू दुबई में जाते हैं तो डीएमयू का लेस्टर में भी कैंपस है यूके में, तो आप वहाँ पर प्रोग्रेशन ले सकते हैं। लेट से आप कर्टन जाते हैं तो कर्टन का भी सॉरी ऑस्ट्रेलिया में कैंपस है तो वो आप वहाँ पर प्रोग्रेशन ले सकते हैं। लेट से आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन मलेशिया जाते हैं, ठीक है, तो उसका भी कैंपस है यूके में। और उसके बाद एपीयू यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है और दूसरे नंबर पे एशिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा, वहाँ पे आप जाते हैं तो उनकी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है। सो ये ऑब्वियसली आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, अपनी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है एक्चुअल में कितनी फी वाली यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सूट करती है। उसके अलावा आपको दुबई या मलेशिया में से कौन सा डेस्टिनेशन ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, वन मोर थिंग, इवन वाइल स्टडिंग इन दुबई आपको इंटर्नशिप्स भी ऑफर हो जाती हैं और वो पेड होती हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छी उसकी वो जो सैलरी है अच्छी होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपके कोई फ्री इंटर्नशिप्स होती हैं। अच्छा, ये इसके और भी बड़े प्लस पॉइंट है। लेट्स से कि आपका 6 मंथ्स की अगर आपको इंटर्नशिप ऑफर होती है या 8 मंथ्स की होती है, जितने भी ड्यूरेशन की, तो वो इंटर्नशिप आपके तो आपको प्रोफेशनल एक्सपोजर तो देगी देगी, एट द सेम टाइम आप जो है ड्यूरिंग स्टडी आप अपनी जो है अर्निंग भी करने लग जाएंगे, ठीक है, आप अपनी जो पॉकेट मनी कह लें या लिविंग एक्सपेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं। अगर तो आपका काफ़ी सारा गैप है और आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में से किसी भी डेस्टिनेशन पर जाकर अपनी जो है स्टडीज कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली यूके या ऑस्ट्रेलिया में आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही, अगर तो आप डायरेक्ट एलिजिबल नहीं हो रहे यूके या ऑस्ट्रेलिया के लिए, देन आई रिकमेंड दुबई या मलेशिया में प्लेसमेंट ले लें, क्योंकि आफ्टर अ ईयर यू कैन शिफ्ट आइदर इन यूके और ऑस्ट्रेलिया। आपकी काफ़ी कोई भी लूप होल होता है आपकी प्रोफाइल में या बहुत सारा गैप होता है, तो ऑब्वियसली अभी यूनिवर्सिटीज़ यूके में और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी
रिलक्टेंट हो गई हैं, वो इतना गैप नहीं लेती, 4 साल का तो किसी सूरत नहीं लेती, बट मलेशिया और जो दुबई है वो ले लेती हैं, और बल्कि इन सम केसेस इससे भी ज़्यादा ले लेती हैं। मेरे ख्याल से दुबई और मलेशिया एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन जो है वो बन सकता है, अगर तो आपका अल्टीमेटली यूके या ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।